स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2017। देखो इस सब में ना एज ऑन लिखा रहता है, पीएल में लिखा रहता है फॉर द ईयर, राइट। सबसे पहले एसेट्स है फाउंड इन 1000, ठीक है। वी हैव नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में हमारा प्रॉपर्टी है 9000, ठीक है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फंड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये सब एक ही चीज है। 3418 पहले का प्लस 180 कितना, 3418 पहले का प्लस 180 साल का डेप्रिसिएशन, नहीं सॉरी सॉरी 4217, मैंने गलत देख लिया, 4270 प्लस 180 कितना आ रहा है, 4450, तो कितना आया, देन प्रॉपर्टी के बाद है हमारा प्लांट, प्लांट 19600 है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, छब्बीस सौ प्लस, करेंट का कितना है, करेंट का डेप्रिसिएशन नहीं, पुराना साल तक का तो 2600 है ना, और अभी का कितना है, टोटल कितना हो रहा है, लेस करके 12750, ठीक है, और कुछ है क्या नॉन करेंट एसेट में, नहीं है, टोटल कितना आ रहा है, 17300 है क्या, नाउ वी हैव करेंट एसेट, सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमने निकाला था एडजस्टमेंट में था, ये एडजस्ट हुआ था ना, देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, हाउ मच, बैंक कितना है, और कुछ है क्या, तो ये आ गया हमारा टोटल एसेट 23660, सो दिस इज आवर टोटल एसेट,
ठीक है। इक्विटी में शेयर कैपिटल कितना है? देन वी हैव अदर रिजर्व में शेयर प्रीमियम। रिटेन अर्निंग्स पहले का कितना है? 3418। नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पेड से रिटेन अर्निंग कम होगा। फोर्टीन थर्टीन एट फाइव थर्टीन एट फाइव वन कितना आ रहा है? नॉन करेंट लाइबिलिटी लोन्स है, कुछ बोला नहीं है। रीपेबल कब है तो मानेंगे 1 साल के बाद ही है। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल कितना है? 509। और टैक्स प्रोविजन हो गया, कितना आ रहा है टोटल? हाँ मैच हो गया ना। इसको थोड़ा सा पीछे करो ना। कौन सा तार था? अच्छा आगे ही कर दे भाई, आगे कर दे, आगे कर दे थोड़ा। ठीक है छोड़ दे। ठीक है चलिए, जो मैंने आपको होमवर्क्स में दिया था ना बहुत इजी सवाल थे। कौन कौन सा दिया था? 18 का क्वेश्चन दिया था और 20 वाला दिया था ना। बीस वाला कराते हैं हम आपको। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे क्या सर? ओ थोड़ा सा बस या बस बस बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड डॉलर में दिया हुआ है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स नोट वन, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बड़े आगे तो तीन नोट बनाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, एडमिन का और सेलिंग एक्सपेंसेस का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ठीक है, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, बोरोइंग लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट, डायरेक्टर रेम्युनरेशन,
ठीक है, डिविडेंड पेड रिटर्न अर्निंग से लेस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ये, इंटरेस्ट ऑन बॉरोइंग्स 44, ये लो फाइनेंस कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वन सेवन थ्री फोर, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल मतलब इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, हाँ सर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सर उसमें सिर्फ 17 तो रेटी की लेक्चर्स है सर, बाकी का लेक्चर्स कब तक आएगा? बेटा, टाइम तो लगेगा अपलोड होने में। तुम रिकॉर्डेड अच्छा लेक्चर्स लाइव लास्ट टर्म का जो लाइव क्लास है उससे देखना शुरू कर दो ना। अच्छा नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरा बीकॉम का एग्जामिनेशन चल रहा था सर मिड सेम, तो उसके वजह से मेरा 2-3 क्लास मिस हो गया था सर। कोई दिक्कत नहीं, यही सब पीएल वगैरह करा रहे हैं हम। ओके सर। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो गया, राइट? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो इस साल बिक जाएगा ना, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा माना जाएगा। जो इस साल बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर वाला बचा हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्रीज का जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है ना, उसमें काफी सारा मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले का पहले बिकेगा, तो पहले ओपनिंग स्टॉक यूज करेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग परचेसेस दे दिया 4003, वेजेस ये सब प्रोडक्शन रिलेटेड है 1120, प्लांट का दो वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का भी दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है, रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट, इक्विटी, रेवेन्यू 16927, अच्छा रेवेन्यू कर लेंगे, उसके बाद सेल्स सैलरी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स सैलरी दिया हुआ 890, सेलिंग एक्सपेंस है 888, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर प्रीमियम इक्विटी, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ठीक है। ऊपर खाली रेवेन्यू लिख लेते हैं 16927, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक काउंटेड 740, सो क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा,
740 एस्ट्रिक मार्क क्यों दिया, क्योंकि इसका डबल ट्रीटमेंट होगा। स्केल यूज किया करो छोटा वाला। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 50,000 ऐसा है जो अपन पेमेंट करेंगे जून में, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था अभी, पेमेंट बाद में होगा, क्लेम्स बाद में पेमेंट करेंगे, बट क्लेम इस साल का है ना, तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऐड होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50 का, करंट लायबिलिटी में जाएगा, भूलना मत, जितना भी एडजस्टमेंट है उसको डबल एस्ट्रिक करके दिखाओ, जिसे तुमको समझने में दिक्कत ना आए। सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड क्यों हुआ सर? इस साल का है ना, ये कॉम्पेंसेशन तो इस साल का है, पेमेंट अगला साल जून में होगा, तो अपन अपने पढ़े है ना, पेमेंट कब करते उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग एक्रुअल बेसिस अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें एक्रुअल बेसिस क्या बोलता है, इट डजंट मैटर व्हेन यू पे, इट हैज टू बी रिलेटेड टू द करंट ईयर। ठीक है, और इसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। उसके बाद बोला है प्रॉपर्टी को वैल्यू किया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है ही नहीं, अगर डेप्रिसिएशन होता तो पहले डेप्रिसिएशन देते उसके बाद रिवैल्यू करते, क्यों बोलो तो? क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को वही समझाना था आपको। ठीक है, तो आप करो, पहले लिखो इस क्वेश्चन में, लेट अस अज्यूम, वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, लेट अस अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी फॉर द करेंट ईयर इज 50। मैंने 50 दे दिया, निकाल कर ही दे दिया। ठीक है, मैंने 50 का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो सबसे पहला बात यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी 50, क्योंकि यहां पे रिवैल्यूएशन देखो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, लिखा है ना, रिवैल्यूएशन कहां हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, राइट। तो ये मैंने अजम्पशन लिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, रिवैल्यूएशन करेंगे, वेट करो अभी। कॉर्पोरेशन टैक्स है 1337,
एस्टिक मार्क, जस्ट अपना समझने के लिए। डन। अब हम लोग रिवैल्यूएशन देखते हैं। हालांकि रिवैल्यूएशन इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम राइट, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट कितना है प्रॉपर्टी का? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लस 50 पहले डेप्रिसिएशन देंगे, कितना आया? 1593 कितना आ रहा है? 16 58। दिस वर्सेस मार्केट वैल्यू 1500। पंद्रह लाख है ना, 3 0 हटा देंगे। हमने जो पहले कराया था आपको, पहले रिवैल्यूएशन किया था, उसके बाद नया वाला फिगर पे मैंने डेप्रिसिएशन दिलवाया था आपको। बट आज एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो रहा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है। तो पहले डेप्रिसिएशन मैंने दे दिया, उसको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखा दिया। अब मैं रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया कर रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया में मेरे को लॉस आ रहा है 158 का। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छो अच्छो को नहीं मालूम है, कर दिया मैंने। और करूं? पहले ये वाला कंपेयर करते तब ये 50 नहीं देते हम बन। तब ये 50 में नहीं देता। आ रही है बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखना, ये मैंने आज तक बताया नहीं है कोई भी बैच में। रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, अगर प्रॉफिट है तो ओसीआई, लॉस है तो पीएल।
राइट right? तो आप समझना, पहले प्रॉफिट हुआ, बाद में प्रॉफिट हुआ है, ये वाला कहाँ गया? ओसीआई, बाद वाला भी ओसीआई में जाएगा। पहले लॉस हुआ है, पीएल, बाद में भी लॉस, पीएल। है ना? अब इसमें एक पॉइंट है, पहले प्रॉफिट हुआ तो ओसीआई में जाएगा, बाद में लॉस हुआ तो ओसीआई नेगेटिव। ये समझ लेना। क्योंकि ओसीआई में पड़ा है ना प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाद में यदि लॉस होता है तो पीएल में मत डालना, इसलिए एम्बिग्विटी है काफी जगह पे। तो आपको हर कंट्री का रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेना विथ रेस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन। तो अपन सिंपल सा फंडा समझेंगे, प्रॉफिट है तो अपन कहाँ डालेंगे और लॉस है तो पीएनएल में। और अगर अपना लॉस है और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है तो ओसीआई नेगेटिव करके ही दिखाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉफिट में हमेशा ओसीआई, लॉस में तो चेक कर लेंगे। पहले लॉस था कि फर्स्ट टाइम है कि पहले का प्रॉफिट पड़ा हुआ है? हाँ, यहाँ पे जो कल ये क्वेश्चन कराया था, इसमें 240 का रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था, फिर 255 और ऐड हो गया, वहीं पे अगर लॉस होता तो 240 को कम कर देते हैं। तो पीएल में दिखा देंगे, मैं बताऊंगा कहाँ दिखाना है। तो जो रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ बेटा? इसको अपन यहां दिखा देंगे। पीएल है ना, इधर दिखा दो। ठीक है, चलिए टोटल बताओ। सर, पिछले साल का रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हो सकता है क्या? आप पिछले साल का अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा तो इसको यहां नहीं दिखाएंगे,
तब 158 को इधर नेगेटिव करके दिखाएंगे और पिछले साल का रिजर्व के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके। लेकिन बैलेंस शीट में है नहीं ना, ठीक है। टोटल करो भैया, कौन सा बुक के साथ मैच नहीं करेगा, बुक का आंसर मत देखना। भाई कितना टाइम लग रहा है, 6 तो फिगर नहीं है यार। 6831 और ये 6835 2305 1778। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आ रही है सर? 683 बना आई गेस।10,096 लेस करो। बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ हाँ फाइव एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ 5811 नेट प्रॉफिट, 4474
फटाफट बैलेंस शीट बना लो। प्रॉपर्टी सीधा 1500 आएगा, सब कहानी हो चुका है उसका। डेप्रिसिएशन देने के बाद, डेप्रिसिएशन देने के बाद सीधा नया फिगर आएगा बेटा, वो तो हो गया ना, होने के बाद नया रिवैल्यू आ गया। तुम चीज को समझो, तुम अगर अप्रैल में रिवैल्यू करोगे तो तुमको करंट ईयर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देके तुमको नया बैलेंस निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे पहले तुमने डेप्रिसिएशन दिया, वैल्यू कम हो गई, उस हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट लॉस आया, तो अब तो तुम नया वैल्यू पे दिखाओगे ना। एक चीज तुमने एक साल पहले वैल्यू कर रखा है तो उस पे इस साल का इफेक्ट भी आना है, और एक तुमने आज वैल्यू की तो उसकी आज की वैल्यू ना आएगी। प्लांट सेवन जीरो एट वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 939 लेस किया, 615, चार डिजिट बोलेगा ना, 614 बोल के छोड़ दिया। वो टू तो बोला ही नहीं, तू तू मन में लग लिया तू, तो वही तो, जब जो बात पहुंचे ही नहीं फायदा क्या है, मनी मन देखेगा तो ऐसे तो होगा नहीं, जाके सामने वालों को इजहार करना पड़ेगा। किया था फ्लॉप हो गया। करेगा कुछ मैंने भी नहीं, करंट एसेट बोलो, पहले इन्वेंटरी, इन्वेंटरी आ गया 740, ट्रेड रिसीवेबल बैंक
बोल टोटल एसेट कितना आ रहा है? कैसे सही है कौन सी चीज से इक्विटी में शेयर कैपिटल बोलो 16 अदर रिजर्व में आएगा शेयर प्रीमियम कितना रिटेन अर्निंग्स में कितना दिया हुआ है 1610 प्लस 4474 माइनस फोर फोर सेवन फोर है ना नेट प्रॉफिट टैक्स यहाँ क्यों होगा टैक्स तो करंट लाइबिलिटी में होगा टैक्स तो इस प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है तुम्हारे लॉजिक से भी अगर जाएं तो 4474 कैसे आया टैक्स माइनस करके आया है नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी में कौन कौन है ट्रेड पेबल कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50 और टैक्स प्रोविजन 1 टोटल ई एंड एल नाइन नाइन
सितंबर 2016 वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, अभी सितंबर 2016 बोला मैंने।
दो किताब दो रेवेन्यू चलो बैंक ओडी तो बैलेंस शीट में जाएगा, डिविडेंड पेड रिटेन अर्निंग से लेस होगा, फैक्ट्री का दो वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मतलब दिस विल कम अंडर करंट एसेट। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का दो दिया हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अदर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड तीन टाइप के खर्चे होते हैं। अगर आप देखोगे, एक होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, एक होता है लेबर। इसके अलावा बाकी सारे खर्चे को क्यूमुलेटिवली अपन ओवरहेड्स बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, राइट, कुछ कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स लगते हैं, तो ये सब चीज हमारा ओवरहेड्स माना जाता है, राइट।
वेजेस 2880, ऑफिस एक्सपेंसेस 1440, ओपनिंग स्टॉक क्लब कर लो। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में ना तीन टाइप का स्टॉक बचता है, एक होता है जो अभी तक यूज नहीं हुआ, एक वो है जो यूज हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, और एक वो कंप्लीट हो गया लेकिन बिका नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लो 2304, 1332, 5112, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट, का फाइनेंस कॉस्ट है। रिटर्न अर्निंग नहीं आएगा, सैलरीज यहां भी आएगा 1512, सैलरीज इधर भी आएगा 1224, शेयर कैपिटल छोड़ दो, इक्विटी शेयर प्रीमियम इक्विटी ट्रेड पेबल करंट एबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेप्ट, तो ये भी मेरा एक टाइप का लॉस है, तो ये एडमिन रिलेटेड खर्चा तो नहीं है, राइट। नाउ कई बार क्या होता है, बैड डेप्ट कहां आएगा ये डिपेंड करता है। देखो इस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपन को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी का है। जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा तो है नहीं, एडमिन रिलेटेड खर्चा भी नहीं है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा? आ सकता है। मान लो जिस बंदे ने बेचा है उसी की जिम्मेदारी है कलेक्शन करने की, मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्समैन टू डू कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया। लेकिन अपन को इसको अलग से भी दिखा सकते, कितना दिया हुआ है 159, तो व्हाट वी कैन डू, जैसे अपन ने वहां पे दिखाया था ना, आप इसको देख सकते कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, नहीं तो रेस्पेक्टिव दिखा दीजिए, नहीं तो बैड डेप्ट आप अलग से भी दिखा सकते हो 159 को। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक सबको जोड़ लो,
1260 916 कितना आ रहा है इसका डबल इफेक्ट करंट एसेट बिफोर द ईयर एंड. बिफोर द ईयर एंड मतलब पहले ये डेप्रिसिएशन आ रहा है उसके बाद रिवैल्यूएशन हो रही है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं बोला तो पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन देते हैं. दोनों का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे है और दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का कॉस्ट है. देखो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है ना वही कॉस्ट है. मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को प्लांट बोला जाता है. 11340 सो 11340 का 20% कितना आ रहा है 2268 और डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी फैक्ट्री एक ही चीज हो गया 2% का कॉस्ट फोर थ्री टू जीरो का 2% ठीक है 86.40 हो गया. अब रिवैल्यूएशन बाद में करना भी मतलब नहीं अपन को, पहले पीएल कंप्लीट कर लेते हैं. देखो फैक्ट्री को रिवैल्यू करने बोला 6000 में. फैक्ट्री का कॉस्ट कितना है 4320 में ये सब माइनस होगा तो और कम हो जाएगा. इसका मतलब प्रॉफिट ही आने वाला है, लॉस नहीं आने वाला है. तो अपन पीएल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है. अच्छा टैक्स है 2470 डन. चलो सो फटाफट इसको पहले करते हैं अपन. कितना आ रहा है भाई 30. ये 300 ठीक है 2952300313312.40 ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 400 हाँ लेस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.6 हाँ 93 हाँ ये 9199.6 ये 6729.6 देख लो भैया. हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं देख लेता हूँ ना. Thank you.
सर एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना। सर इसका आंसर लाइक मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। 1319 कॉस्ट ऑफ सेल्स था। नहीं चेक कर लो ना फिगर तो यहाँ दिया हुआ, कौन सा फिगर में गड़बड़ हो रहा है? तुमने कोई ऐड नहीं करके हम लेस कर दिया होगा। हाँ ओके सर ओके ओके गॉट दैट। अब हम लोगों को करना है रिवैल्यूएशन का। पहले बुक वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट कितना है 4320 लेस, ऑलरेडी कितना है 1980 में प्लस हो जाएगा, एटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो एड होगा, कितना आ रहा है? 20 हाँ कितना आ रहा है? 20 वर्सेस 6000। कितना आ रहा है? 3746 पॉइंट। डन एवरीवन, ठीक है तो बैलेंस शीट कर लेना। तो यहाँ पे 3746 कितना आ रहा है टोटल? 400, ठीक है। लेकिन इससे इस टोटल से कोई मतलब नहीं है, ये जाएगा रिटर्न अर्निंग में, ये जाएगा अदर रिजर्व में। तो अदर रिजर्व में दो चीज आएगा, शेयर प्रीमियम और ये दोनों। ठीक है कल।